गोरखपुर के मंडली कारागार में बंद बंदियों ने रक्षाबंधन के दिन अपनी बहनों से राखी बंधवाई। महिला बंदियों से भी राखी बंधवाने उनके भाई दिला जेल पहुंचे। जेल प्रशासन ने इसको लेकर अलग से व्यवस्था कर रखी थी। साफ सफाई के अलावा बहनों को बैठकर राखी बांधने के लिए मुलाकात वाले स्थल पर जगह जगह चादर बिछवाया गया था। रक्षाबंधन को देखते हुए सिर्फ राखी बांधने वाली महिलाओं तथा भाइयों की ही मुलाकात कराई गई। एक भी बहन बिना राखी बांधे न लौटे, इसके लिए जेल प्रशासन ने अपनी व्यवस्था में थोड़ी ढील भी दी थी। पर्ची न होने पर भी नाम पता नोट करके सास हाथ पर मोहर लगाकर अंदर भेजा जा रहा था। उधर जिन बंदियों की बहनें आ गई थीं, उनके भाइयों तक सूचना भिजवाकर उन्हें बैरक से बाहर गिरदा परिसर में बुला लिया गया था। भाई भी अपनी बहनों का इंतजार कर रहे थे। रक्षाबंधन के त्यौहार को देखते हुए जेल प्रशासन की पूरी कोशिश थी कि कोई बहन राखी बांधे बिना वापस न लौटे। भीड़ ज़्यादा होने के चलते नाम पता नोट कर और मोहर लगवा कर ही मुलाकात की व्यवस्था कराई गई। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज़ संवाददाता से बात करते हुए जेल में बंद भाइयों को राखी बांधने आई बहनों ने कहा। वापस करना है, कर रहे थे यहाँ का है वापस कर खराब हो जाए चाहे दीजिए। बिना खेले आदमी अरे तबियत खराब हो जाएगा। इंदु निषाद राखी बांधने आए हैं बिछिया जेल में, बड़ी जेल। कितने दिन से आपके भाई बंधे हैं? लगभग 20 दिन हो गया। आज अपने भाई को राखी बांधने जा रहे हैं, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा, लेकिन बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, रास्ते में बहुत भीड़ है, बहुत मुश्किल हुआ, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है। राधिका अपने भाई को होगा 5-6 महीना होगा। अच्छा लगा कि जल्दी से छूट जाए। सुमन यादव अपने भाई को छठवां वर्ष है इस राखी। अब कैसा लग रहा है? दुख महसूस हो रहा है कि अगर भाई घर पे होते तो घर पे बातें, यहाँ नहीं आना पड़ता। क्या कहना चाहेंगे? ये चाहे जल्द से जल्द यहाँ से वो रिजा हो जाए, रिहा हो जाए, और क्या।